Hello students, so now we are discussing an important problem from the banking chapter. So as we all know, market value is nothing but the principal plus the SI, and the simple interest, where your n is the number of months in this particular topic. Or yahan pe where our SI is nothing but the principal into the number of months plus the number of months next to it into the rate upon 24 into 100. So in this particular question, Sudhir opened an recurring deposit account with the bank for the time. So in this particular question, time is given to you as 1 year and half years, 1.5 years. So if you convert it into month, it will be converted into 18 months. So ye to tha bilkul pehla logic ki time ko humne yahan 18 months define kar diya hai. Aur time yahan pe kuch nahi hota, time ka matlab hi yahan pe beta hai ki basically humne n ki value ko yahan pe 18 define kar diya hai. Theek hai? Achha. जो रेट है हमारे इंटरेस्ट का वो भी आपको यहाँ पे गिवन करा हुआ है, उसने यहाँ पे 10%. अब उसने क्या बोला है, बैंक ने मैच्योरिटी के टाइम आपको 1554 रुपीज दिया है, तो जो मैच्योरिटी वैल्यू है डेट इज आल्सो प्रोवाइडेड टू अस एज 1554. ठीक है, तो उसने आपसे बस ये पूछे है सुधीर ने कितना डिपॉजिट किया है पर मंथ. सो द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी. तो अब हम यहाँ एज्यूम करते हैं, लेट से जो सुधीर ने डिपॉजिट किया है, सुधीर ने यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर लें कि डिपॉजिट करवाया है उसने यहाँ पे रुपीस पी को, है ना, प्रिंसिपल को मैं रुपीस पी बोल दूँ, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के हिसाब से 1554 इज इक्वल्स टू दिस इज दी पी एन, यानी जो उसने प्राइस में डिपॉजिट किया वो हमारा पी रहेगा, एन इज दी नंबर ऑफ मंथ्स जो कि यहाँ 18 है, और यहाँ पे देन ये प्लस हो जाएगा यही सेम प्रिंसिपल इंटू 18 इंटू 19, है ना, क्योंकि एन की जगह आपने 18 लिखा तो 18 प्लस 19 हो गया. रेट आपको यहाँ पे उसने 10% दे रखा है और डिविजन में ये आएगा 24 इंटू 100. ठीक है, तो जैसे ये पहला चीज हमारा क्लियर हो गया तो रेस्ट इज ऑल आवर कैलकुलेशन. तो इसको कैसे करना है वो देखते हैं. सबसे पहले देखिए 10 में से 100 या तो 10 से 10 गया, यहाँ पे 18 और 24 को अगर मैं देखूं तो दोनों 6 से डिवाइड होते हैं. ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और चीज कैंसिल आउट हो रही है तो वी कैन डू इट. ठीक है, कर सकते हैं, सॉरी 6 की टेबल में 4 हो जाएगा. तो बेसिकली हमारा यही जो क्वेश्चन यहाँ पे है ये कन्वर्ट हो जाएगा 1554 इज इक्वल्स टू 18 इंटू पी, है ना, ये जो फैक्टर है यहाँ पे इसको ऐसे ही रखिए, और 3 इंटू 19 आपके पास हो जाएगा 57, और ये डिवीजन में आपके पास आ जाएगा बेटा 40, और ये पी यहाँ पे एज इट इज ऐसा ही है. अब यहाँ पे द आर्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज वेरी वेरी सिंपल. अगर मैं इन तीनों को देखो, इन तीनों को अगर मैं 3 से डिवाइड करवाऊं, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 518, ये बन जाएगा आपका 6p, और ये बन जाएगा आपका प्लस का 19p, है ना. तो और डिवीजन में तो ये 40 चल ही रहा है. अगर आपको लगता है कि अब ये फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं तो यहाँ पे आप देखिए दिस इज 518 और ये हो गया 6p, और ये हो गया मेरा 19p अपॉन 40. अगर मैं यहाँ एलसीएम लूँगा तो 40 ही मेरा एलसीएम आएगा, और 40 का इंटू 6 से जब होगा तो ये बनेगा 240p, और ये है मेरा 19 का पी बेटा, एंड दिस इज नथिंग बट ये हो जाएगा हमारा 518 इज इक्वल्स टू 240, और अगर मैं 19p को ऐड करूं तो ये बन जाएगा 259p, है ना. तो 259p डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा, तो 259p, ये मैं आपके लिए सही से लिख देता हूं, ये आपको थोड़ा सा ओके. तो ये आपका हो गया 259p, और अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों के दोनों 2 से डिवाइड
कर देंगे, है ना, 2 की मल्टीप्लाई में ही आएगा। और ये अगर 40, अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन होने चला तो फाइनली जो आपका प्रिंसिपल आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 80 रुपीज़। सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। थैंक यू।